प्रचंड मायाकार सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देवताओं में जिन्हें सर्वप्रथम रखा जाता है, जिनकी आराधना सबसे पहले की जाती है और जिनका नाम लेकर ही कोई कार्य शुरू किया जाता है, उन्हीं भगवान गणपति का ध्यान करते हुए मैं अमिताभ बच्चन श्री गणेश करता हूँ ज्ञान मान सम्मान का खेल पंच कोटि ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। इस मंच पर जो भी खिलाड़ी आते हैं मंगल मूर्ति गणेश उनका जीवन मंगलमय करें और कामना पूर्ति गणेश उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का खेल मैं शुरू करने जा रहा हूं। पिछले हफ्ते के रोल नंबर कंटेस्टेंट भागलपुर बिहार से आई अंशु प्रभा के साथ, उसके बाद हम इस हफ्ते से 10 नए खिलाड़ियों से आपका परिचय करवाएंगे। तो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंशु प्रभा का। बहुत बहुत बधाई अंशु, आपको एक हफ्ते बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपके बाल सही सलामत है दिखाई है सर? वाह, ये यकीन नहीं होता है, ये सब असली है आपको मालूम है? आजकल तो बहुत से लोग कुछ अलग अलग चिपका लेते हैं ना। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। फिर मेरे सामने बैठ गए हैं भागलपुर बिहार से आई अंशु प्रभा जी। ये एक स्टूडेंट हैं, पिछले हफ्ते इन्होंने 3 लाइफलाइंस की सहायता से जीत लिए थे 1,60,000 रुपए। फिलहाल इनके पास डबल डिप बाकी बचा हुआ है। अंशु का बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से बीता, आर्थिक तंगी के कारण इन्हें अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। अंशु अपनी आत्मकथा लिखना चाहती लेकिन उससे पहले देखते हैं ये इस मंच पर आज कौन सी नई कहानी लिखती है, कैसा लग रहा है? आपके साथ बैठना और यहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 3 लाइफ लाइन चली गई तो डर भी लग रहा है। हाँ, अभी आप मुझसे वहाँ पर कुछ कहना चाह रही थी, आपने कहा था जब मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी तब बोलूंगी। मैंने खड़े खड़े जो चीज आप नहीं बोल सकती थी वो बैठ के बोलना चाह रहा स्वामी जी। हमें तो एक शो आता है बड़े अच्छे लगते हैं, आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। भगवान, पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे आपसे ये सवाल। चलिए शुभारंभ।